सब्सक्राइब करें सरकारी भर्ती देखो .com को और बेल आइकन पे क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी भर्ती देखो .com में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग 10th पास है और काफी समय से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए रेलवे लेके आ चुका है 375 पदों पे भर्तियां, जो कि आपको ना ही यहाँ पे कोई एग्जाम होने वाला है, ना ही यहाँ पे कोई इंटरव्यू होने वाला है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट होने वाला है। दोस्तों, ये जो भर्तियां हैं डायरेक्ट मेरिट के आधार पे उठने वाली हैं और उसी के तहत आपका सिलेक्शन भी होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके 10th में जो मार्क्स थे उसके आधार पे ये मेरिट लिस्ट उठेगी, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं 10th में तो आप जल्दी से इन पदों के लिए आवेदन करिए। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं इस भर्ती के बारे में, कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, साथ साथ शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, इसमें आपको क्या क्या दस्तावेज मांगे जाएंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो सीधे आपको लेके चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी भर्ती देखो .com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आरआरबी में रिक्वायरमेंट्स निकल चुकी हैं, अगर आप लोग 10th पास हैं तो आज ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है। तो आप लोगों के पास केवल आज से 7 या 8 दिन बच रहे हैं इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों, जो ये कुल पदों पर जो वैकेंसी है वो 374 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। इन पदों के लिए आवेदन कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो पद का नाम है वो है ऑपरेटिस। यहाँ पे कुल पदों की जो संख्या है वो मैं बता ही चुका हूँ, 374 पदों पे वैकेंसी जारी की गई है। जो योग्यता मांगी गई है वो मांगी गई है इन पदों के लिए, अगर आप 10th पास है, साथ साथ अगर ITI कर चुके हैं तो काफी अच्छी बात है, साथ साथ अगर आप लोगों ने 50% अंकों के साथ 10वीं पास किया हुआ है तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं एज को लेके कि एज कितनी मांगी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो यहाँ पे आयु मांगी गई है वो उम्मीदवार को जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 वर्ष, क्योंकि 10th जो क्लास पास आउट होते हैं बच्चे जब उनके लिए वैकेंसीज निकलती है, तो यहाँ पे 15 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। IIT वालों के लिए अधिकतम उम्र 24 साल है, वहीं नॉन ITI वालों के लिए अधिकतम जो उम्र है वो 22 साल की निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, यानी कि अगर आप लोग SC और ST कैटेगरी में या फिर निचोड़े वर्ग में आते हैं तो आप लोगों को एज में छूट दी जाएगी करीब करीब 3 से 5 साल की। तो दोस्तों, अब काफी सारे लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि सर चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यानी कि जब मैं इन पदों के लिए आवेदन करूंगा तो चयन कैसे होगा, इंटरव्यू के थ्रू होगा, एग्जामिनेशन के थ्रू होगा या फिर इंटरव्यू के थ्रू होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ बताना चाहूंगा, यहाँ पे ना ही कोई आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, ना ही यहाँ पे कोई आपका एग्जाम होने वाला है और ना ही यहाँ पे कोई आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे सीधा जो सिलेक्शन होगा आपका वो आपके 10th में जो मार्क्स आए होंगे उसपे, उसके आधार पे एक मेरिट लिस्ट काटी जाएगी जिसके तहत आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आवेदन के लिए आप किन किन दस्तावेजों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आप लोग कैसे आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दस्तावेज आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, यहाँ पे हस्ताक्षर लगेंगे। तो अगर आप 10th कर चुके हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट लगेगा 10th का, साथ साथ अगर आप ITI पास है, ITI का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। ये आपका एक प्लस पॉइंट है अगर आप ITI कर चुके हैं तो, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने में ज्यादा चांसेस हैं अगर आप लोग ITI कर चुके हैं प्लस 10th पास हैं तो। लेकिन अब बात करेंगे कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। तो उससे पहले फी के बारे में और बात कर लेते हैं कि जब आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो फीस चार्ज क्या करना पड़ेगा। तो जनरल और OBC श्रेणी उम्मीदवार के लिए यहाँ पे आवेदन फीस जो रखी गई है वो ₹100 रखी गई है। वहीं SC ST PWD महिलाओं उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन फीस नहीं रखी गई है। तो दोस्तों, कैसे करेंगे आप इन पदों के लिए अप्लाई, तो आपको लेके चलते हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अब मैं आपको लेके आ चुका हूं ऑफिशियल वेबसाइट, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आप देख पा रहे होंगे आपको न्यू यूजर के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कॉलम दिया गया है,
साथ साथ यहाँ पे साइन इन का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो 15 जनवरी 2021 को जारी हुआ था। जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 15 फरवरी 2021। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे स्टेप टू स्टेप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। जो फर्स्ट कॉलम मिलेगा अप्लाई टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मिलेगा, पे एग्जामिनेशन फीस होगा, फी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, अपलोड आ स्कैन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे स्कैन करके आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा जिसपे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मिल जाएगा जिसके तहत आप अपने रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो न्यू यूजर है उनको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद साइन इन करके इन पदों के लिए आवेदन करना है। जो लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस वेबसाइट पे वो लोग डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने अपने YouTube डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करिए और जल्दी से वेबसाइट पे विजिट करिए और जल्दी से जाके इन पदों के लिए आवेदन करिए। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहते हैं सबसे पहले और सबसे आगे तो आप हमारे YouTube चैनल सरकारी भर्ती देखो .com को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर सकते हैं जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। साथ साथ हमारी वेबसाइट www.sarkaribhartidekho.com पे भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने अपने YouTube डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।